नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन कहाँ कामकाज कर सकते हैं। हम लोग आज की एक्सपायरी के लिए गाइस क्या डिस्कस करके गए थे, तो गाइस एज पर डिस्कशन जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि कल मैंने ट्रेड दी थी कि अगर मार्केट हैंड टू हैंड अगर ऊपर निकलेगा तो हम एक कॉल की पोजिशन बैठेंगे। ऊपर में हमारे टारगेट थे 18780 के, ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली अगर हाई अगर आप देखोगे 17876 या 77 के आसपास का हाई बनाया, तो अगर आपने इस ट्रेड के अंदर एंट्री की तो एटलीस्ट आपको 20 से 30 पॉइंट आराम से मिले होंगे, क्योंकि ऊपर के 30 पॉइंट ही यानी कि निफ्टी वहां से निकला। अब दूसरी सिचुएशन, मार्केट ने ऊपर के लेवल से जो क्यों डिजेक्शन खाया, इतना क्यों गिरा, आरबीआई की पॉलिसी में ऐसा क्या आ गया था, उसके बारे में भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर एक कॉल अगर आपको मिल गई डेफिनेटली उसके अंदर एंजॉय करो, और अगर दूसरा रिजेक्शन मतलब हो गया कि मार्केट के जो रेजिस्टेंस होते हैं, मेरा एक वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इस जगह क्या ट्रेड होती है गाइस, ये अगर चीज समझ गए मार्केट में, आप आइडेंटिफाई करके लाइव मार्केट में आप ट्रेड करना शुरू कर दोगे। तो ये जो 777-76 का जो लेवल था, एक प्रीवियस हाई से पहले का लेवल था, वहां से मार्केट ने जो 18856 या 76 के आसपास हमारा जो हाई बना हुआ है वहां से मार्केट नीचे आया था। तो ये लेवल दूसरे दिन की कैंडल का हाई था, मार्केट ने अगेन वहीं से एक डिप दे दिया, एक्सपायरी के लिए भी दे दिया, या कॉल राइटर भी खूब हो गए थे, या वाट एवर जो भी कहना चाहो, मैं इसको सीधी सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि ये एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन कैंडल अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता मार्केट में, क्योंकि वहां पे क्या रहता है कि आप एक सिंपल ट्रेड मिलती है 15 मिनट के चार्ट पे, ये बनी डोजी, डोजी के बाद में ये रेड कैंडल, अगेन एक डोजी, डोजी के बाद में एक ये 15 मिनट कैंडल रेड बन गई। जैसे ही ये वाली डोजी बनी, इसने इसके नीचे, ये डोजी ने इसको नीचे में प्रीवियस को क्लोज कर दिया, तो आपके पास ऐसा हो गया 20 पॉइंट 178-176-17776 का ऐसा हो गया। इमीडिएटली यहाँ पे बैठ जाओ, इंडेक्स पे प्ले करो, ऑप्शन के ऐसल न लगाओ, यहाँ पे बैठ गए, बढ़िया पैसा बन गया। यहाँ से ये रिट्रेसमेंट दिया, अगेन एक डाउनफॉल दे दिया। इसी को देखकर मैंने भी आज एक टेलीग्राम पे फर्स्ट जो मेरी ट्रेड थी गाइस, मेरी जो फर्स्ट ट्रेड थी 18700 की पुट थी 24 रुपए पे, 30 32 और 35 करीबन तीनों टारगेट मेरे हिट हुए हैं, ठीक है ना, 30 भी आए, 32 भी आए और 35 भी आए। तो 24 पे ये उस टाइम चल रही थी, और वहां से यानी कि एटलीस्ट आपको 40% के आसपास का प्रॉफिट, यहाँ पे 40-50% के आसपास का प्रॉफिट मार्केट ने इसमें इस ट्रेड में आपको दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस करके गया था, क्लियरली कह के गया था कि इग्नोर करना, उसके बावजूद भी यहाँ पे कहा था मैंने कि अगर यहाँ मिलेगा हम एक कॉल की पोजीशन ऊपर में 44350 और 44500 तक के ये दो टारगेट मैं आप लोगों को दे के गया था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन खाया, अगेन ये रिजेक्शन अगर इसका आप देखोगे तो यहाँ पे 15 मिनट कैंडल पे चार्ट पैटर्न देख लो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, 5 मिनट पे देख लो यहाँ पे एक डबल दो तीन बार टॉप बना दिया, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, इमिडिएटली पुट की पोजीशन, रिजेक्शन कैंडल, डोजी डोजी के बाद में तो ये सेम कन्फर्मेशन, और इमिडिएटली ये मैंने मेरी प्रीमियम में ट्रेड दी थी वहां से, यानी कि मार्केट ने अब ये वाली पोजीशन शायद ही किसी ने स्टार्टिंग की किसी ने ली होगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से लोग बाग ट्रेड नहीं करते, ठीक है। और ये मार्केट इस ये लाइन जो मैंने बना रखी है इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, और इवन इसने क्लोजिंग भी इसके नीचे दी है, ठीक है ना। ये लाइन क्या है, ये लाइन है करीबन इस पॉइंट को टच करके, इस पॉइंट को टच करके, और ये वाली लाइन है। तो ये जो क्लोजिंग है डेफिनेटली एक नेगेटिव है, तो डिस्कस करेंगे अभी अपन। और इसके इसका जो मैंने एक लेवल भी बताया था कि हम बियरिश होंगे कहाँ पे, इस पॉइंट के नीचे, ये अगर आप खींच लोगे और इसी के ये एसएल मैंने रखा था 18650 140 का 160 का,
ये इसके बाद में ही मार्केट ने बड़ा डाउनफॉल 44,000 के बाद में ज्यादा ऊपर से के लेवल से गिरा है, ठीक है। तो अभी भी नेगेटिव है, और जो अपन ने कॉल की पोजीशन हम बना के गए थे उसमें हम मैंने भी करीबन 50% के आसपास लॉस, 50-60 के करीबन लॉस बुक किया। और ये जो यहाँ पे इमिडिएटली अगर किसी ने पुट की पोजीशन ये वाला डिस्कस करके गए थे कि मैं बियरिश हो जाऊंगा 44,600 के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई तो मैं यहाँ पे बियरिश हो जाऊंगा, तो एक्सपायरी पे अगर किसी ने ये वाला ट्रेड भी गेन किया होगा, ये वाला भी ट्रेड गेन किया, ये वाला भी, तो मार्केट आपको जो अपन प्रिडिक्ट करके जा रहे हैं एज इट इज मार्केट आपको दे रहा है। तो कल क्या ब्लैक फ्राइडे, बिल्कुल नेगेटिव। वनडे के चार्ट पे निफ्टी देख लो, देखते हैं क्लोजिंग नेगेटिव है या हो सकता है आई थिंक उसने वापस मार्केट ने रीटेस्ट करने गया हो, या फिर ऊपर के लेवल पे ये माना जाएगा कि ये टच कर दिया, फिर फर्दर इसने इस पॉइंट को लेके अगेन ये आपके मार्केट चल रहा है। तो पैरेलल चैनल चल रहा है इसका निफ्टी का, तो यहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, निफ्टी में बियर हम कहाँ हो जाएंगे, तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। और मार्केट अगर आपको 18,720 के आसपास मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, पुट की पोजीशन बनाएंगे ऊपर के लेवल पे, यहाँ के आप आसपास मिला तो पुट की पोजीशन, एसएल फिर आपका हो जाएगा 18,740, और नीचे के टारगेट आपके अगेन 18,640 तक के 100 पॉइंट के लिए। और यहीं से मार्केट नीचे निकलता है और आपका 18,600 का लेवल 15 मिनट कैंडल तोड़ता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे नीचे की साइड में आपके 18,580 और 18,520, ये दो टारगेट के लिए पुट की पोजीशन 80 पॉइंट के आसपास का आपको नीचे की साइड में ट्रेड मिल जाएगा, एसएल हो जाएगा फिर आपका 18,620 का एसएल हो गया। दूसरी सिचुएशन है कॉल की पोजीशन ओनली और ओनली आपके 18,720 की, 18,725 के ऊपर, 18,725 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। अगर गैप अप भी खुलता है और अगर इसको यहाँ पे एक हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर विक से क्लोज नहीं करता और उसके बाद में एक जस्ट रेड कैंडल बन जाती है तो हम इसी का ऐसा लगा के पुट की पोजीशन नीचे की साइड के लिए बना सकते हैं। रीजन ऐसा मार्केट में ऐसा क्या हो गया, तो ओवरऑल यही चीज है कि बड़े लेवल पे अगर आप इसको देखोगे 4 आवर के, अगर आपके चार्ट पे दिखाऊं तो ये डबल टॉप पैटर्न मार्केट ने बना दिया है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी, ठीक है ना, ये एक टॉप बन गया और एक अगेन ये वाला ही टॉप करीबन आज मार्केट ने लगाया है। 555 का जो हाई है नियरली वहां पे है, और यहां से एक एक्सपेक्टेशन ये है कि इस तरह से मार्केट आपको एक अगेन नीचे के लेवल दिखा सकता है या फिर इसी रेंज के अंदर रह के एक फर्दर ब्रेकआउट भी दे सकता है, क्योंकि जब अपन 5 मिनट के चार्ट पर देखते हो तो कई बार एक ही रेंज में कैंडल्स बनती है, तो ये हो सकता है इसी रेंज में कैंडल बनाए या फिर अगर ब्रेकडाउन देगा तो बड़ा नीचे की साइड भी आपको मिल सकता है। तो ये 4 आवर के चार्ट पे बैंक निफ्टी हो गया। इसकी और सिचुएशन है गैप डाउन अगर मिलेगा तो प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, 18 इसका नीचे की साइड में 18,400 के आसपास का सपोर्ट आ रहा है निफ्टी का, ये ट्रेंड लाइन को अगर रेस्पेक्ट करता है तो ये करीबन 18,400 18,500 के आसपास एक सपोर्ट का लेवल बनता है, तो शॉर्ट के लिए भी नीचे इसमें गुंजाइश कम है और ऊपर की साइड भी निफ्टी के अंदर गुंजाइश कम है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करें, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट ने नीचे की साइड का लेवल दिखा दिया, वनडे के चार्ट पे इसको देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है, तो एम पैटर्न की तरफ जा रहा है, देखते हैं एम पैटर्न बनाता है कि ये क्या करता है। यहाँ से इस तरह से एक एम पैटर्न बना के नीचे ये वाली, जैसे ये सपोर्ट लाइन है, जब ये वाली लाइन टूटेगी तो फिर एक बड़ा फॉर्म आपको मतलब 43,850 के नीचे बड़ा एक साथ ही, यानी कि 1,000 पॉइंट के आसपास का मंडे के चार्ट पे डिप ये बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो कॉल की पोजीशन डेफिनेटली 44,160 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो, या फिर एक यहाँ पे भी एक कॉल की पोजीशन ली जा सकती है 43,880 के
के पास में, जैसे वो अपन ने देखा कि ये चीज सपोर्ट लाइन बन रही है, तो यहाँ पे हो सकता है एक कॉल की पोजीशन बन जाए, मतलब 43,800 के पास में एक कॉल की पोजीशन। एसएल फिर आपका रहेगा 43,750 का एसएल रहेगा, और ऊपर में आपके टारगेट 44,100 तक के कॉल के अंदर बन सकते हैं, 44,100 44,150, ये दो टारगेट के लिए। नीचे के लेवल से एक कॉल रिटेस्ट करने भी जाएगा तो भी एटलीस्ट इसको यहाँ रिटेस्ट करके देन फर्दर अगर गिरेगा तो वहां तक, तो एक नीचे से लेवल पे शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट अपन इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर रिटेस्ट यहाँ करता है 44,160 के लेवल को या 44,070, ये 2,80 का, ये दो लेवल ऐसे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट है, ठीक है। तो ये वाला लेवल अगर यहाँ तक अगर मार्केट पहुँचता है, जरूरी नहीं है 44,160 तक जाए, यहाँ तक अगर मार्केट पहुँचता है तो यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकता है मार्केट। तो ये वाला लेवल और ये दोनों लेवल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर के लेवल पे छोटे से एसएल के साथ में, वीक के साथ में, मतलब 20 से 30 पॉइंट के एसएल के साथ में नीचे के लिए एटलीस्ट 100 पॉइंट 200 पॉइंट, अगर आज आप बात करोगे तो ऊपर के लेवल पे मैंने 43,600 की पुट दी थी प्रीमियम में, वो करीबन मैंने दी थी 206 के आसपास, उसका जो लास्ट क्लोजिंग है 600 का हाई है उसका। तो मार्केट देता है तो दबा के देता है, बस लेने वाला चाहिए। तो गाइज और किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, व्हाट्सएप पे, और क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें। और गैप अप अगर होगा गाइज तो देखो सीधी सी है, यहाँ पे एक इसको देखेंगे हम, इसी रेजिस्टेंस को, अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो फिर एक ऊपर का रेजिस्टेंस अगेन 100 पॉइंट के आसपास का आ रहा है, तो वो दोनों देखेंगे, फिर हम रिजेक्ट खाता है, यहाँ से रिजेक्शन खाता है, नीचे की साइड आता है, तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।